हेलो जी, नमस्ते, आदाब। आप सभी का फिर से वेलकम है एक न्यू व्लॉग में। और अभी यहाँ पे बच्चों के जो है ड्रेस मैं जा रही हूँ भिगोने के लिए, क्योंकि इसको जो थोड़ा सा वाइट ड्रेस होता है ना, भिगो दो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के लिए। तो इसमें के जितना भी डस्ट होता है, मैल होता है, वो ना जो निरमे के साथ जो है अच्छे से जो है निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अभी जो है मतलब बच्चों के यहाँ ड्रेस जो है यहाँ पे भिगो दे रही हूँ, और जब तक मेरे डस्टिंग का काम होंगे, जब मैं नहाने आऊँगी तो भी ये अच्छे से जो है इसको मैं धुल के डाल दूँगी। तो वैसे वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा काफ़ी गंदा हो जाता है, 2 दिन ही मतलब पहनना रहता है, सैटरडे और वेडनेसडे को 2 दिन पहनना रहता है, और दोनों दिन में इसकी हालत ऐसे कर देते हैं जैसे लगता है कि कभी धुला ही नहीं है। तो यहाँ पे बस बच्चे जो है रेडी हो गए हैं तीनों, और यहाँ पे देख सकते हो खुशी, ये तो माशाल्लाह। मतलब सुबह उठने में ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जल्दी उठती नहीं है, कितने बार पानियाँ डालना पड़ता है इसको, उठा उठा के बैठाना पड़ता है, तब जाके उठती हैं, उसके बाद उठने के बाद इधर उधर बैठती हैं, तो रेडी मतलब होने में भी बहुत टाइम लगाती हैं। तो जब मैं यहाँ पे जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो इनको जो है बना कर दे देती हूँ, तो ये खा लेती हैं। जब बना लेती हूँ नाश्ता इन लोगों के लिए, तीनों बच्चों का टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद जब आकर तो इनको तैयार करती हूँ। तो अभी ये तीनों बच्चों जो है चले गए हैं अपने अपने स्कूल, मतलब तीनों साथ में ही जाते हैं और एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते हैं। बस ये होता है ना, मतलब साथ जाते तो साथ में, पर आने का जो टाइमिंग होता है ना तीनों बच्चों का मतलब अलग है। खुशी का मतलब पहले हो जाता है, इन लोगों का बाद में होता है, क्योंकि बड़े क्लास में है तो बस ये प्रॉब्लम होती है, वरना तीनों बच्चे एक ही साथ जाते हैं, स्कूल भी एक ही है। तो यहाँ पे जो है तीनों बच्चे चले गए हैं, तो यहाँ पे मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। सुबह उठने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये होता है कि मैं डस्टिंग का काम झाड़ू लगा लूँ, बट टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। मैं झाड़ू लगाने लगूँ तो कम से कम मेरा टाइम पूरा सुबह का टाइम ही निकल जाता है। तो क्या करती हूँ, सुबह बस किचन में बस झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो है इन लोगों का नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। जब तीनों बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद जो है अपना रेस्टिंग का काम यहाँ पे शुरू करती हूँ। और बेड की हालत तो मत पूछो, ये मेरे घर की ऐसी ही, मैं कोई वो नहीं है कि मैं पहले जो है ये सब करके उसके बाद जो है आप लोगों के साथ जो भी जैसा रहता है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बेड की हालत सुबह के टाइम ऐसे ही होता है, और क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपना बेड सही करे पहले, तो क्योंकि खुशी भी थोड़ा सा लेटी में उठती है, मैं पहले उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस तीनों बच्चे चले गए हैं, तो इन लोगों का तीनों को बच्चों का जो कपड़े थे कल शाम को आया था छत से, वैसे मैंने चेयर पर रख दिया। हमने कहा चलो इसको जो है मॉर्निंग में ही अब सेट करेंगे। थोड़े बहुत सूखे भी नहीं थे, तो फैन चल रहा था ना तो सूख गए थे, मतलब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 दिनों से ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, तो बच्चों का कपड़े थोड़ा सा धुलने में या सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं छत पे लाई थी, चेयर पे ऐसे डाल दिया तब तो सूख गए हैं। अब मैं इन लोगों को कपड़े जो फोल्ड करके और लगा दूँगी, तह लगा के और रख दूँगी। तो तीनों बच्चों का अलग अलग ही कपड़े रखूँगी, क्योंकि जो है तीनों बच्चों का अगर मिक्स करके कपड़े रखो तो क्या करते हैं ना कि तीनों जो है अपना अपना कपड़ा निकालने के चक्कर में जितने कपड़े फोल्ड होते हैं उन कपड़ों का भी सत्यानाश कर देते हैं। तो बस यहाँ पे तीनों बच्चों के कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, अब बस इन लोगों को अपने अपने जगह पे जो है अलमारियों में सेट करना है। तो अभी मैं सेट कर दी हूँ, और इनको जो है बीच में इनको लग गई थी प्यास, गर्म पानी, पति देव नहा कर आए थे तो इनको गर्म पानी चाहिए, मुझे भी गर्म पानी, मतलब मैं सुबह जो है मतलब बाद में पीती हूँ जब टाइम लगता है इनके लिए, जब गर्म पानी करती हूँ। तो बस यहाँ पे पानी पी ली हूँ, अभी इनके लिए चाय और नाश्ता करना है। मम्मी अभी नहा रही हैं, तो जब तक वो लोग नहा रहे हैं तब तक यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो डेली जो पेपर जो है रोज़ डेली निकलते हैं। तो यहाँ पे बाबू जो है, बाबू मुस्कान का स्कूल में कुछ ना कुछ जो होता है ना स्कूल में, ऐसी तो कभी कभी स्कूल वालों के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि मत पूछो। यहाँ पे कुछ ना कुछ वो लोग पेपर का बनवाते ही रहते हैं, चार्ट पेपर का। तो कल जो है बाबू बनाए, तो वैसे ही जो पूरा फैला हुआ है मेरे ही रूम में कल आए थे, ये पूरा जो अपना बना रहे थे यहीं पर बैठ के, तो पूरा ऐसे फैला था। हमने कहा रात में तो झाड़ू लगती नहीं है, क्योंकि रात में तो हमारे यहाँ झाड़ू वगैरह नहीं लगती है, वैसे लगाना भी नहीं चाहिए रात में, तो फिर वैसे मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा चलो सुबह ही जो है साफ़ करेंगे लोगों का जितना भी कूड़ा कबाड़ होता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा के और
पूरे घर में झाड़ू लगाना है, तो देख सकते हो अभी ये पूरा हाल जो है ना, मेरा डाइनिंग टेबल अभी मेरे पास नहीं है, अभी आया भी नहीं है, तो इसलिए पूरा यहाँ पे पूरा खाली खाली लगता है। ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस है, पर हाँ स्पेस तो है, पर क्या है ना कि यहाँ पे पूरी जगह खाली है तो टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे पूरा देख सकते कितने सारे मतलब लगता है कि मेरे घर में पेपर का जो है भंडार लगा हुआ है। तो अभी जो है इनको पीनी थी चाय, हमने कहा चलो पहले इनकी चाय दे देते हैं गर्म करके, मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी को भी पीना है, तो बस यहाँ पे इनके लिए चाय बना दूँगी और साथ साथ मैं बोतल जो है फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है तो लेबर मिस्त्री को पानी चाहिए, और पानी ज़्यादा ठंडा मतलब ठंडा तो इतना नहीं लोग पीते हैं क्योंकि इतनी अभी गर्मी नहीं है, अभी तो ठंडी है, और हमारे यहाँ हम लोग देखे ही होंगे अभी गर्म कंबल ही हम लोग ओढ़ते हैं रात में, बहुत ज़्यादा और ठंड लगने लगती है, वो फैन भी नहीं चलता है, कम ही फैन चलता है, केवल मुस्कान यहाँ पे घर पे फैन चलाती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मैं तो फैन नहीं चला रही हूँ इस समय क्योंकि ठंडी लगती है, और ठंड जब लगती है ना तो खुशी जो है ना बेड पे ही सुसु कर देती है, क्योंकि रात में उसको कंबल ओढ़ाती हूँ और जब थोड़ा सा मतलब मेरी नींद लग जाती है तो कंबल हट जाते हैं तो वो सुसु कर देती हैं बेड पे, ठंड की वजह से ही सुसु कर देती हैं, तो इसलिए फ़ैन मैं नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ पे ठंड वैसे मतलब बारिश भी हो गई है ना 4-5 दिनों से, तो इसकी वजह से मौसम भी ठंडा हो रखा था, और आज तो धूप निकली है और आज काम भी स्टार्ट हो गया है, 3-4 दिन से काम बंद था तो आज जो है ऊपर काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो है पतिदेव के लिए जो है चाय, मतलब मम्मी के लिए पतिदेव के लिए चाय मैं बना के दे दी हूँ, और अभी जो है आप लोगों से मैं मिल रही हूँ संडे को, क्योंकि उस दिन जो है ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाई थी, ब्लॉग वहीं स्टॉप कर दिया था क्योंकि कुछ काम पड़ गया था, तो फिर आज जो है संडे, और आज तीनों बच्चे घर पे हैं, तो यहाँ पे सुबह सुबह मतलब सुबह क्या 10 बज रहे होंगे, और संडे में इतने सारे काम, तीनों बाथरूम जो साफ़ करना और उसके बाद झाड़ू पोछा करना, काफ़ी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे 9-10 बज गए थे, बाबू आ गए थे यहाँ पे, तो अभी जो है इनको खानी थी मैगी, हमने कहा मैगी खाओगे, तो बोला हाँ मैगी खाऊंगा, हमने कहा चलो तुमको मैगी बना देते हैं, और सबके लिए नाश्ता बना दिया था, किचन साफ़ कर दिया था, फिर से जो है किचन वैसे गंदी हो जाए, कुछ भी बनाते हैं ना थोड़ा सा गिर जाता है तो पूरा अजीब सा लगता है किचन, तो बस इनके लिए मैं मैगी बना देती हूँ, इनको मैगी बहुत पसंद है, जब मैंने बोला बाबू खाओगे तो तीनों बच्चों की मतलब हाँ हाँ मैं भी खाऊंगा, हमने कहा चलो तीनों लोगों के लिए मैगी बना देते हैं, बस अभी नहा वहा के ही निकली थी तब तक ये बाबू आकर पीछे से कह रहे हैं बुआ, हमने कहा अरे कैसे तुम आ गए, मतलब कभी कभी होता है ना कि दूर गेट पे जब आते हैं ना तभी चिल्लाने लगता है कि बुआ आ गए, और आज जो है बिल्कुल अंदर आ गया था तो बिल्कुल धीरे से बोला पीछे से मेरे बुआ, हमने कहा जी ये कहाँ से आ गए, मतलब चौक पड़ी, हमने कहा कैसे आ गए, तो अभी जो है ना पतिदेव को जाना था हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो भाई को बुलाए थे, ऊपर काम चल रहा है ना तो थोड़ा देखने उखने के लिए, तो इनको जाना हॉस्पिटल, तो वही भाई आए तो फिर ये भी चले आए, अभी ये नहाए भी नहीं थे, बाबू जो है रहो ना नहाया भी नहीं था, भाभी बोल रही थी कि ऐसे ही चला गया था, इसको नहवाने चले चली तब तक ये जो है नाम सुनकर बुआ के घर जाना है तब तक रोना स्टार्ट हो गया, तो फिर भाई इसको लेकर आ गए, तो अभी इनको खानी थी मैगी, हमने कहा मैगी खाना है, तो जब भी आएंगे ना तो मेरे घर मैगी मतलब जानते हैं ना बुआ मैगी बनाती हैं, चलो।
बना लिया हमको अच्छे से वीडियो। और वो लोग कह रहे हैं पहले खाओ ले लेना बाद में, डैडी के लिए रखे हैं लो। मामा की पिज्जा लो ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे छत पे गई थी और वहां से आ रही थी तो दरवाजे में लगकर कोना जो होता है ना दरवाजा का, वही लगकर फट गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी उसको चेंज करती हूँ, ये वाली कुर्ती पहन रही हूँ और अभी लाइट भी चली गई थी तो फोन अभी चार्ज नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए चार्ज में लगाने जा रही हूँ और इसके बाद जा रही हूँ सब्जी वगैरह कट कर लूँगी। लौकी की सब्जी बनेगी तो ये जा रही हूँ कट करने और मोबाइल मेरा चार्ज हो रहा है, उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी जो है यहाँ पे लौकी वगैरह कट कर दिया है, फ़ोन मेरा चार्ज हो चुका है और कभी कभी कपड़े की वजह से ना बेइज्जती सा हो जाता है तो बिल्कुल मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था। और बाद में जो बाबू देखा कि मम्मी आपका कुर्ती जो है फट गया है तो मैं छत पे गई थी कपड़े फैलाने के लिए ना, तो भी थोड़ा सा दरवाजे से लग रहा कि वो उसका जो है क्रोच जो है लग गया था तो बस उसको चेंज कर दिया। अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं पूरा वीडियो उसी पे बना देती फिर मुझे वीडियो भी डिलीट करना पड़ता। अच्छा हुआ कि भाई बाबू जो है देख लिया था यहाँ पे, वरना फटी फटी कुर्ती पूरे जो है व्लॉग में घूमती रहती है। सही, तो अभी चेंज कर दिया इसको और यहाँ पे पति देव भी आ गए हैं तो मतलब ये भी डॉक्टर के पास से आ गए हैं। तो मेरी एक लापरवाही से ना बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है किसी की, मतलब कभी कभी होता है ना कि इतना साफ़ सफाई करते हैं फिर भी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतना मैं साफ़ सफाई पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो बर्तन का जो जूना होता है ना वो बर्तन में रह गया था और इनके दांत में मतलब कैसे जाकर कहाँ से फंस गया था और वो 3-4 दिन से इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये गए दवा लाए तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नॉर्मल दर्द होगा, तो दिए दवा उसके बाद दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। फिर आज गए हैं तो पूरा एक्सरे वगैरह हुआ है तो उसमें जो है वो तार जो फंसा हुआ था पूरा दिखाई दिया, फिर पूरा डॉक्टर जो है उसको निकाला था। तो अभी जो है वही दिखा वखा के लाए हैं तो मुझे डांट रहे थे और यहाँ पे म्यूज़िक चालू कर दिया था ना तो यहाँ पे गाना चल रहा था तो यहाँ पे मैं डांस कर, क्योंकि मैं मतलब म्यूज़िक के साथ काम करती हूँ बहुत आनंद लेती हूँ और यहाँ पे इनका जो है म्यूज़िक मतलब चल रहा था जाकर चालू कर दिए थे। तो बस यहाँ पे देख सकते हो लौकी की सब्जी और वही बनेगा रोटी, मतलब बच्चों का मतलब हल्का सा नमक और मिर्चे वाली जो है लौकी की सब्जी पसंद है हरी सब्जी तो वही बनाऊंगी। और दाल अभी रखी हुई है, कल हमने रात में बनाई थी तो अभी फ्रिज में है, बस उसको निकाल के गर्म कर दूंगी और यहाँ पे चावल बना दूंगी। और यहाँ पे मेरा आटा जो है ख़त्म हो रखा है, हमने कहा चलो इसको धुल देते हैं, ऊपर काम चल रहा है तो अभी जो है गेहूं भी नहीं धुलना है क्योंकि सीमेंट बालू मोरंग सब फैला हुआ है ना तो समझ में नहीं आ रहा कि गेहूं धुलें कि ना धुलें, क्योंकि जब धुलेंगे ना तो पूरा जो है धूल मिट्टी आएगा और काम अभी बचा हुआ है, अभी तो 2-3 दिन 4 दिन लग जाएंगे काम में। और आटा आज मेरा ख़त्म हो चुका, ड्रम काली हो गया है तो अब दुकान से ही लग रहा मंगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ही आटा है और नहीं चल पाएगा 2-3 दिन। तो अभी जो है इसको धुल के वैसे रख देती हूँ और जब आटा जो पिसा जाएगा तो फिर रख दूँगी इसमें। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक गाइस और मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से एक न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, मतलब जब मैं एडिटिंग करने बैठी ना तो बहुत काट पीट करके इतना बड़ा करना पड़ा क्योंकि लंबा व्लॉग जो है ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं इसलिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे कर दूंगी एंड। और अभी तो व्लॉग बहुत मैंने शूट किया था, मतलब शूट हुआ था, पर ये व्लॉग यहीं तक कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को इसी तरह से एक न्यू व्लॉग के साथ न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलो गाइस मिलते हैं न्यू व्लॉग में, थैंक यू सो मच जो भी मेरे व्लॉग को देख रहा है और अभी तक बना हुआ है इस व्लॉग में, तब उसका दिल से थैंक यू सो मच।